इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाना माना नाम सैमसंग, और सैमसंग के फोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैलेक्सी इसका एक पॉपुलर सीरीज है जो फोन्स में निकालता है। अगर हम बात करें सैमसंग के फोन्स की तो 4-4.5 हज़ार रुपए से शुरू होकर लाख 1.5 लाख रुपए के फोन्स भी आते हैं, इतनी वाइड रेंज है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी की, गैलेक्सी ने एक लो सेगमेंट में, एक अफोर्डेबल सेगमेंट में एक नया फोन लॉन्च किया है, गैलेक्सी M02। ये M02 और M02S दोनों अलग अलग फोन्स हैं, मैं फिलहाल बात कर रहा हूं M02 की। इसके अंदर दो वेरिएंट आते हैं, 2GB रैम वाला और 3GB रैम वाला। फिलहाल मेरे पास ये बॉक्स है, बॉक्स की करेंगे अनबॉक्सिंग, क्या क्या इसके अंदर निकलेगा ये तो देखेंगे ही। लेकिन जितने भी रिव्यूज आपने देखे होंगे, मैं आपको दूंगा असली सच वाला रिव्यू कि फोन एक्चुअली में है कैसा। फोन की बॉक्स की अगर बात करते हैं, फोन काफी ज्यादा स्टर्डी बॉक्स के साथ आता है, साथ में ऊपर रिफ्लेक्टिव फोन बना हुआ है। गैलेक्सी भी जो ब्रांडिंग है वो रिफ्लेक्टिव है। महंगा बॉक्स लग रहा है, नहीं लग रहा 6-7 हज़ार रुपए के फोन का बॉक्स है। फोन के MRP की बात कर रहे हैं हम, 7,999 रुपए इसकी MRP है। फोन में एक अडाप्टर, केबल, इंजेक्टर, पिन, मैनुअल बॉक्स के अंदर मिल जाती है। फिलहाल मेरे पास जो वेरियंट है वो है ब्लैक कलर का, 2GB रैम, 32GB रोम वाला, इन्फिनिटी V डिस्प्ले यानी स्क्रीन ऊपर वी शेप में कटी हुई है। कैमरा की वजह से 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी। बैकअप कैसा देगी वो तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 206 ग्राम, इंडियन सिम के साथ ही पहली बार इसको ऑन करना है। बॉक्स खोलते ही ऊपर की साइड पे हमें मिल जाता है कुछ लिटरेचर, उसके पीछे की साइड पे, अच्छा इसके लिए भी अलग से बॉक्स दिया गया है, छोटा सा प्यारा सा बॉक्स है। पीछे सिम इंजेक्टर हमें मिल जाता है, क्विक स्टार्ट गाइड यानी स्टार्ट कैसे करना है, सिम इंजेक्ट कैसे करना है, फर्स्ट टाइम चार्ज कैसे करना है, रीजनल लॉक गाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिम के अलावा अगर कोई बाहर की सिम हमने डाल दी तो ये लॉक हो जाएगा पहली बार और फिर सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। फोन स्टडी है, 6.5 इंच की स्क्रीन है, इसके अंदर अडाप्टर हमें मिल रहा है, मेड इन इंडिया चार्जर, 1.55 एम्पीयर का आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी इसके ऊपर ली गई है। फास्ट चार्जिंग नहीं है बट ठीक है, डिसेंट है। केबल इसके अंदर हमें मिल जाती है, बॉक्स में इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये जो तार है, इसकी कॉर्ड है, केबल, इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब 6-7 हज़ार रुपये के फ़ोन के हिसाब से मैं उम्मीद कर रहा था शायद केबल क्वालिटी या फिर चार्जर क्वालिटी इन्होंने कम कर दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं। 6.5 इंच की स्क्रीन वाला ये बड़ा सैमसंग ब्रांड का फ़ोन, पन्नी हटाना मेरा फेवरेट काम, एक नए फ़ोन की जो फीलिंग होती ना, ओए होए होए होए, मज़ा ही दिला देती है। ये ऊपर ग्लास जो है ये थोड़ा मुझे रिफ्लेक्टिव लग रहा है। बैक पैनल है, ये मैट बैक पैनल मुझे मिल रहा है क्रॉस लाइंस के साथ, वो ग्लॉसी बैक पैनल नहीं है, यूजुअली फोन्स के साथ आता है, उसमें स्क्रैच आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, बट ये स्टर्डी प्लास्टिक के साथ, लो क्वालिटी प्लास्टिक नहीं लग रहा, महंगा दिख रहा है फोन। नीचे की साइड पर स्पीकर ग्रिल, माइक्रो USB पोर्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए, चार्जिंग करने के लिए माइक, और 3.5mm का जैक इनपुट करने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है। साइड में वॉल्यूम रॉकर कीज और लॉक अनलॉक बटन ऑन ऑफ करने के लिए, ऊपर की साइड पे कोई बटन नहीं दिया गया, साइड में सिर्फ सिम कार्ड ट्रे इंजेक्ट करने के लिए जगह दी गई है। पीछे दो कैमरा, 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा। अच्छा यहाँ पर मैं स्क्रैच मारने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगा था शायद स्क्रैच नहीं लगेंगे बट थोड़े थोड़े स्क्रैच मुझे दिख रहे हैं, यानी बैक कवर मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो मैं उम्मीद नहीं करूँगा 6-6.5 हज़ार रुपये के फ़ोन के बॉक्स के अंदर मुझे बैक कवर मिलेगा, बट अगर होता तो क्या बात होती। 2 नैनो सिम कार्ड मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और साथ में माइक्रो इसमें SD कार्ड डाल सकता हूँ, 1 TB तक एक्सपेंडेबल मेमोरी। वाओ, फ़ोन पकड़ने में अच्छा है, हाथ में ग्रिप अच्छी आ रही है, ऑन करके देख रहा हूँ। अच्छा जैसे मैं बोल रहा था, इसके फ्रंट की स्क्रीन की रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, ऊपर मेरी जो लाइट है ना वो इसके ऊपर दिख रही है, जो मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं वो इसके ऊपर दिख रहे हैं। ये एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिलेंगी, यहाँ पर रेडियो आपको मिलता है, अच्छा गूगल की सारी एप्लीकेशन जैसे गूगल मैप्स, यूट्यूब, ये आपको मिल जाएगा इसके अंदर, वन ड्राइव, ऑफिस। ओ थोड़ा सा हैंग करता हुआ मुझे अभी दोबारा दिख रहा है। इसके अंदर प्री इंस्टॉल जो एप्लीकेशंस हमें मिल रही हैं वो मिल रही हैं स्नैपचैट, नेटफ्लिक्स, सैमसंग शॉप, फेसबुक, एंड्रॉयड का वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन Android 10। अच्छा जब भी हम ये एंड्रॉयड का वर्जन चेक करते हैं ना कोई गेम ये लोग ज़रूर डालते हैं। यहाँ पर कोई गेम नहीं है बट एंड्रॉयड को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये मेरे को वन ऑफ द गुड एप्लीकेशन यानी इनबिल्ट फीचर मुझे इसके अंदर लगा SOS मैसेजिंग का। जैसे ही हम पैनिक मोड इसका ऑन कर देते हैं, वाईफाई लोकेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और हमारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के साथ 24 घंटे तक हमारी लोकेशन ये शेयर करता रहेगा और उनके पास मैसेज भी चला जाएगा।
कैमरा कैसे इस्तेमाल होगा, कितना अच्छा कैमरा है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, वो यूज़ करने के बाद मैं एक बार दोबारा रिव्यू डालूंगा। YouTube में देख रहा हूँ, देखिए दिक्कत वही आ रही है, ऊपर लाइट है, रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ रहा है और ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। इंटरनेट क्वालिटी मेरी ठीक है, इंटरनेट क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है। वैसे अगर मैं बात करूँ 6.5 इंच की स्क्रीन, अच्छा डिस्प्ले मुझे मिल रहा है, डिसेंट है और 270 PPI यानी पिक्सल पर इंच मुझे डेंसिटी मिल जाती है। देखिए मार्केट में आजकल बहुत सारे पेड रिव्यूज आ गए हैं, पेड रिव्यूज में कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, बट मेरा नाम है राहुल भाटिया, याद रखिएगा मैं जो भी बोलूंगा 100% सच बोलूंगा। इस फोन के अंदर क्या क्या है, क्या क्या हैंग करता है, अगर ये फोन हैंग भी करता होगा ना तो भी आपको सच सच बताऊंगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और फोन के ऊपर रिव्यू बनाऊं या किसी और टेलीविजन या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या फिर किसी भी चीज के ऊपर रिव्यू बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर ओन चैनल द रिव्यू भाटिया। मेरा नाम है राहुल भाटिया, जल्दी मिलते हैं दोस्तों।